नमस्कार। 5 राज्यों में से विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आ चुके हैं, पर इन चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। फाइनल रिजल्ट मिलने से पहले काफी सारा मामला एग्जिट पोल पर ही डिपेंड करता है। हालांकि पिछले अनुभवों को देखें तो ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल की एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं होती है। 2018 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल की बात करें तो उनके दिए हुए अनुमान राजस्थान और मध्य प्रदेश में आए फाइनल रिजल्ट के आसपास थे, लेकिन तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए बताई गई एग्जिट पोल की भविष्यवाणी में काफी अंतर देखने को मिला। राजस्थान के लिए सभी खास एग्जिट पोल ने कहा था कि कांग्रेस 200 सीटों के चुनाव में से 100 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस को 117 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 100 सीट मिलने की बात कही थी। ये सब अनुमान आंकड़ों के सबसे करीब थे। रिपब्लिक और इंडिया टुडे ने कांग्रेस के लिए काफी बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। हालांकि इनमें से कोई भी निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी जैसे छोटे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भविष्यवाणी करने में सही साबित नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने 19 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में 7 एग्जिट पोल ने कांग्रेस पर भाजपा की मामूली जीत की भविष्यवाणी की थी। 230 सदस्य विधानसभा में किसी भी एक पार्टी को साफ बहुमत मिलता हुआ तब नजर नहीं आ रहा था, जबकि सिर्फ एबीपी न्यूज और सीएसडीएस ने कांग्रेस के बहुमत की जीत की भविष्यवाणी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और इंडिया सीएनएक्स ने भाजपा को बहुमत मिलने की बात कही थी। फाइनल रिजल्ट में कांग्रेस ने 2018 में 114 सीटें जीती, जो बहुमत से 1 सीट कम थी और भाजपा से 5 सीट ज्यादा थी। पर ये एग्जिट पोल तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बुरी तरह से गलत साबित हुए थे। तेलंगाना में 5 एग्जिट पोल ने बीआरएस के बहुमत की बात की थी, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाने में असफल रहे थे कि जीत कितनी बड़ी होने वाली है। एग्जिट पोल में बीआरएस को 68 सीटें मिली थी, जबकि असल में 119 सदस्य विधानसभा में से बीआरएस ने 88 सीटें जीती थी। उस समय एग्जिट पोल में कांग्रेस की सीटों को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था और कहा गया था कि कांग्रेस को 39 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। तेलंगाना में भी 7 एग्जिट पोल के औसत ने भाजपा और कांग्रेस को 42-42 सीटों पर दिखाया था, लेकिन असल नतीजे में कांग्रेस को आसान जीत मिली थी। 90 में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस ने भाजपा को बाहर कर दिया था। भाजपा सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट गई थी। मिजोरम में तब 3 एग्जिट पोल ने कांग्रेस और मिजो नेशन फ्रंट को बहुमत नहीं दिया था, जबकि रिपब्लिक और इंडिया टुडे ने मिजो नेशनल फ्रंट के बहुमत में आने का अनुमान लगाया था। आखिर में 40 सीटों में से 26 सीटों पर मिजो नेशन फ्रंट ने अपनी जीत हासिल की थी। इन सभी पुराने आंकड़ों से तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि काफी हद तक एग्जिट पोल चुनाव में हुए मतदान का अंदाजा भर लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेना भी ठीक नहीं है। बाकी इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अगर सभी एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो 2 राज्यों में बीजेपी की सत्ता बनती दिख रही है, जबकि 2 में से उसे बहुत बुरी तरह की हार का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान विधान चुनावों के अधिकतर एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ रही है। अब सवाल ये है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो क्या 2024 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।